सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीह कर दी। फाइनेंस बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। नया वफाकी बजट कल से नाफिजुल अमल होगा। वफाकी बजट का मजमू हजम 18,000 अरब रुपए से जायद है। फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्सों और ड्यूटीज में रद्दोबदल किया गया है। 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लागू होंगे। मशरकी बलूचिस्तान के कोह सुलेमान रेंज, जिला जोब और शेरानी में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली N70 हाईवे दहानासर के मकाम पर बंद, दर्जनों गाड़ियां फंस गई। रवामा बलूचिस्तान में जारी बारिशों से अमवात की तादाद 7 हो गई। बारिशों से सूबे में 258 मकानात को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, मरी, गलियात, मानसहरा, एबटाबाद समेत पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान और कश्मीर में भी चंद एक मकाम पर बादल बरसने का इम्कान। लाहौर में बादलों ने गर्मी की पेशकदमी को ब्रेक लगा दी। गुज़श्ता रोज की बारिश से पारा नीचे आ गया। महकमा मौसमियात की आज और कल वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। कराची में शदीद गर्मी और हब्स की लहर बरकरार, बारिश का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का PWD की फौरी तहलील का अमल शुरू करने का हुक्म। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले इदारों का मजीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तहलील के अमल के दौरान मुलाज़मीन के मुफादात का तहफ्फुज़ किया जाए, इस हवाले से जारी अमल की निगरानी में बज़ात खुद करूँगा। PWD को किसी किस्म का नया मंसूबा नहीं दिया जाएगा। PWD के जारी मंसूबों को वफाकी और सूबाई इदारों से मुकम्मल करवाया जाएगा। सरकारी तामीर और मुरम्मत के लिए आलमी मयार की निजी कंपनीज की खदमात ली जाएंगी। PWD के असासाजात के रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगु शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PWD की तहलील और इसके मुतबादल से मुतालिक अहम इजलास, जारी मनसूबों पर अमल दरामद से मुतालिक हुक्काम की ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन बताए PTI को इंतखाबी अमल से क्यों बाहर किया गया। बताया जाए इंतखाबी अमल से बाहर करके PTI को मखसूस नशस्तें क्यों नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन तहरीरी बताया क्या PTI को बतौर सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर रखना कानूनी अमल था। सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। मखसूस नशस्तों से मुताले केस में जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट, इलेक्शन कमीशन मुतमईन करे। आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके देकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की। मखसूस नशस्तों का फैसला अकेले में महज तकनीकी नुक्ते निकाल कर नहीं किया जा सकता। मखसूस नशस्तों का फैसला 8 फरवरी के तमाम इंतखाबात के तनाजों में किया जा सकता है। PTI समेत दीगर सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने से मुतालिक भी जवाब दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले रिकॉर्ड पर मौजूद दरवाजे हैं। मखसूस नशस्तों का केस सिर्फ नशस्तों का नहीं, अवाम के बुनियादी आईनी हकूक का केस है। बादी नजर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाहल करार देने के लिए नहीं था। अदालती फैसले की गलत तशरीह की गई। जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट। बानी PTI की रिहाई से कोई खतरा नहीं, हमारी पार्टी मुजाकरात के लिए तैयार है। बानी PTI बातचीत के ऑफर को सीरियस नहीं लेंगे। वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो कर लें, हमें क्या एतराज है। ऑपरेशन अजमे से काम फौज की नहीं हुकूमत की जरूरत है। ऑपरेशन का मकसद आम पाकिस्तानी शहरियों को तहफ्फुज़ देना है। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियात इदारे को इंटरव्यू। हुकूमत का अंदाज दो ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की अलामत नहीं है। जंगी तरबियत के नतीजे में जो फैसले होंगे वो ऐसे ही होंगे। हमारा कोई दोस्त खत्ते में नहीं रहेगा। हम क्या फैसले करना चाहते हैं कुछ पता नहीं, ना आंखें खुली हैं। इस अंदाज को हुबुल वतनी कहकर मुल्क को क्या देना चाहते हैं। हमारे पास रास्ते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा सकते हैं। बेहतर ताल्लुकात के लिए मैकेनिज्म बना सकते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगु। पंजाब असम्बली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। अमरीकी करारदाद यहूदी साजिश का हिस्सा है जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए यहूदी लॉबी की जानिब से लाई गई। अमरीकी कांग्रेस को दूसरों के उमूर में मुदाखलत के बजाय फलस्तीनो कश्मीर के कॉज की हिमायत करनी चाहिए। आम इंतखाबात को करारदाद के जरिए मुतनाज़े बनाने की कोशिश की गई।
पाकिस्तान जमहूरी इकदार का पासदार है। पाकिस्तान के तमाम इदारे आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखते हैं। करारदाद का मतन। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। मरे डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी, डेवलपमेंट, ब्यूटिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट, तामीर व बहाली के प्रोजेक्ट मंजूर। रावलपिंडी तमरी टूरिस्ट ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। टूरिस्ट ग्लास ट्रेन के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करने का फैसला। मॉल रोड मरी के कुदरती मनाजिर में हायल ऊंची इमारतों और होटल्स को हटाने का फैसला। जीपीओ चौक से होटल मुतबादल मकाम पर मुंतकिल करने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मॉल रोड पर कदीमी इमारतों की यकसा सूरत, साइन और कलर स्कीम नाफिज करने की हिदायत। मरी समेत हर शहर, इलाके, तारीखी इमारत के कदीमी नाम बहाल करने का फैसला। गरीब आदमी को तंग न किया जाए, हुकूमत स्टॉल्स खुद लगा कर दे, नवाज शरीफ की हिदायत। मरी शहर पहले से बहुत बेहतर हो चुका, आवाम के लिए बेहतरीन बनाएंगे। मरियम नवाज का अजम का इजहार। अमरीका की इसराइल को गजा में हमलों के लिए मोहलिक हथियारों की फराहमी जारी। असलहे में 2000 पाउंड वजनी बम शामिल। इसराइल को अब तक 10,000 से ज्यादा 2000 पाउंड वजनी बम दिए जा चुके। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इसराइल को मिलने वाली जंगी इमदाद में 14,000 MK-84 बम भी शामिल। अमरीका ने फजा से जमीन पर मार करने वाले 3,000 हेल फायर मिसाइल इसराइल को मुहैया किए। भारत दूसरी बार T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आलमी चैंपियन बन गया। चौकर तारीख रकम न कर सके। जनूबी अफ्रीका को भारत के हाथों 7 रन से शिकस्त। 177 रन हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका 169 रन बना सका। हैनरिच क्लासन 52 रन बनाकर टॉप स्कोर रहे। डिकॉक 39, ट्रस्टन 31 रन बनाकर आउट। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की उमदा बॉलिंग, दो दो विकेट हासिल की। भारत ने मुकर्रर 20 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन बनाए। विराट कोहली ने 76 रन की बारी खेली। अक्षर पटेल 47, रोहित शर्मा 9 रन बनाकर आउट हुए। पंत खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। सूर्य कुमार यादव ने 3, दुबे ने 27 रन बनाए। विराट कोहली फाइनल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पर आए। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा का भी T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। विराट कोहली ने कहा, ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था, जो हासिल करना चाहता था वो कर लिया। अब वक्त है नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। मेरी जिंदगी का ये एक बेहतरीन दिन है। हमारा मकसद था वर्ल्ड कप जीत कर जाएं। विराट कोहली ने 125 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 4,188 रन बनाए। रोहित शर्मा बोले, वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भारत की नुमाइंदगी करता रहूंगा। विराट कोहली की काबिलियत पर कभी शक नहीं किया, जानते थे बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच में चलेगा।